दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपको जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है, हमेशा आपके मन में भी जो बिजनेस करते हैं फूड से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेलवे स्टेशन पर खोलना चाहते हैं अपनी दुकान, जानिए कहाँ से मिलेगा टेंडर और कैसे मिलेगा। तो ऐसा हमेशा लोगों का इच्छा रहता है कि थोड़ा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या ऐसी जगहों पे अपना शॉप खोला जाए, ताकि मान लीजिए भीड़ भाड़ वाला जगह होता है और सेल्स कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि इतनी मास गैदरिंग या इतना भीड़ होता है कि सामान बिकना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप रेलवे का जो है टेंडर फिल कर सकते हैं और रेलवे में ऐसी चीज़ें पा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें पाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपको अपना एक कंपनी होना चाहिए, जिसमें आपको कंपनी प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपका उद्यम लाइसेंस होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, आपका ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपका पी टैक्स होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, और आपका जो अगर ज़्यादा एम्प्लॉई काम करेगा तो ESI PF होना चाहिए, प्लस क्लास 3 का जो DSC है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं विथ ITR कंपनी का, और ITR अगर ठीक ठाक है, तो हमेशा ही रेलवे का जो है टेंडर निकलता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी जोन वाइज, रेलवे ने जैसे 4 जोन में बांटा हुआ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आप जिस जोन में काम करना चाहते हैं वहाँ का रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साल का 15,000 से 20,000 रुपये करके वो लोग लेते हैं। और उसमें क्या होता है, उस एरिया से रिलेटेड जितना भी टेंडर निकलता है, जो भी इवेंट आप चुनते हैं, जैसे फूड से रिलेटेड या दुकान ओपन से रिलेटेड, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और देखना पड़ेगा कौन सा स्टेशन का आपको निकल रहा है, और उसके बाद फिर आप जाके उस टेंडर को फिल कर पाएंगे अगर रजिस्टर्ड हैं तो, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन लेना उसमें ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अपना DSC के थ्रू कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और फिल कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। इसमें क्या सिस्टम होता है कि आपको मिलना नहीं मिलना बात का बात है, बोली लगाया जाता है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा सकता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता है उसी को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये गवर्नमेंट का जो है नियम है। तो ये तरीका अपना के आप रेलवे का किसी भी स्टेशन पे जब टेंडर निकलता है तो आप शॉप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं, ताकि मान लीजिए दुकान को आपके नाम पे मिले और आप वहाँ पे अपना व्यापार करें। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमेशा ऐसी चीज़ें निकालती रहती है, और 1 साल से लेकर 3 साल तक लीज होता है, तो हमेशा 3 साल के बाद एक नए आदमी के लिए भी अपॉर्चुनिटी बना रहता है कि उसको भी मौका मिले तो वो इन चीज़ों को खोल पाए। रहा डॉक्यूमेंटेशन का बात, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बनवाते हैं, जो हमने बताया, कंपनी हो, पी टैक्स हो, करंट अकाउंट हो, या फिर मान लीजिए उद्यम लाइसेंस हो, फसाई लाइसेंस हो, आपका ESI PF हो, ISO हो, ट्रेडमार्क हो, ये सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं, DSC हो, एक ही जगह पे आपको सारा लाइसेंस मिल जाएगा, हम लोग करवा के दे देंगे, चाहे आप भारत के किसी भी कॉर्नर पर रहते हैं। उसके बाद फिर आप अपना ऐसा टेंडर के वेबसाइट में, गवर्नमेंट के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवा के आप टेंडर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, टेंडर फिल कर सकते हैं और अपने काम को पा सकते हैं। हमारी कोशिश है प्राइवेट या सरकारी ऐसी कोई भी योजना जो आपके लिए लाभदायक हो या बिजनेस करने के लिए आपके लिए लाभदायक हो तो आपके सामने रखना, आपको ठीक से समझा देना और बता देना, ताकि मान लीजिए आप खुद से भी चाहें तो कर पाएँ और हमारी सेवाएँ भी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। जो 9230222490 हम लोग का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मगर जो भी कम्युनिकेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा, पेड कंसल्टेंसी है दोस्तों, फ्री वाला सिस्टम नहीं है। फ्री वाला जो जितना जानकारी था हमने बता दिया, इतना भी बहुत होता है अगर आप समझदार हैं तो। अगर इससे ज़्यादा पर्टिकुलर कुछ चाहते हैं तो पेड सर्विस में आके ही आपको जानकारी लेना पड़ेगा, और उसमें ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, आपके लिए भी ठीक है। पैसा दे के कोई सामान खरीदे तो आपका हक बनता है, फ्री में लिया हुआ चीज़ का आप शिकायत नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अपने भी बिजनेस लाइफ में। हम लोग भी जो करते हैं पेड सर्विस ही लेते हैं किसी से भी अगर कोई काम हो तो, नहीं तो ऐसे कौन किसके पास बैठा हुआ है जो फ्री का टाइम देगा, बैठा रहेगा फिर भी नहीं देगा, और नहीं देना चाहिए। हर एक चीज़ का एक वैल्यू होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।